गाइज एंड वेलकम टू माई चैनल फूड इन अश्रता। सो आज मैं जा रही हूँ आमंत्रण फार्म्स में विच इज़ इन जम्मू एंड बहुत ज़्यादा सुंदर बना है ये। इनकी एम्बियंस का के बारे में बहुत सुना है, सो लेट्स गो एंड हैव अ लुक एट द एम्बियंस और खाना ट्राई करते हैं और फिर आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि कैसा है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया। चलो चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम द इंटरनल सिटिंग दे हैव दिस आउटर सिटिंग रूम। यहाँ पर ना फाउंटेन चलता था बट आई थिंक मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग चली गई थी इसलिए वो बंद था। अभी आई टर्न द कैमरा ऐसा लेफ्ट साइड पर भी थोड़ा एंड यू कैन सी कि ऐसा पूरा सिटिंग स्पेस है, पूरा गार्डन टाइप है, बहुत ग्रीनरी ऑल अराउंड आपको देखने को मिलेगी। एंड इस जगह की ना एम्बियंस इज डेफिनेटली अ येस येस फॉर मी, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। सो द फर्स्ट ड्रिंक दैट आई ऑर्डर्ड वॉज दिस वाइल्ड हर्ब गुआवा जिसका प्राइस वॉज 225 रुपीज़। आप क्वान्टिटी देख सकते हो। सो एक्सप्लेनिंग अबाउट द ड्रिंक, ये जब जैसे बचपन में हम वो अमरूद खाते थे ना नमक मिर्ची लगा के, उसी को ऐसा ड्रिंक में फ्यूजन करके दे दिया है। सो इसके ऊपर जैसे आप देख सकते हो कि नमक और मिर्ची साइड पर लगा है। सो फर्स्टली वन यू सिप इट तो उसका ऐसा टिंगलिंग सेंसेशन आता है मिर्ची का, एंड उसके बाद जब आप गुआवा जूस पीते हो तो वो पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। दिस इज़ अ मस्ट रिकमेंडेड बेवरेज फ्रॉम माई साइड एट आमंत्रण फार्म। The price is 225, थोड़ा सा expensive है but then their taste is good. The second thing that we ordered was this pizza. इस pizza का नाम था pimento pizza which was a veg pizza and the price of this was somewhere around 500 rupees I guess, और ऊपर ऐसा capsicum, olives और उस सब की topping की थी, तो यहाँ पर मैं chili flakes और oregano इस पर डाल रही हूँ। ओके सो नाउ एक्सप्लेनिंग अबाउट द पिज्ज़ा, इनके जो पिज्ज़ा था दैट वॉज वुड फायर्ड पिज्ज़ा एंड चीज़ वॉज गुड, मतलब अच्छा पुल आया था इसे चीज़ में भी। एंड सेकेंडली इनके पिज्ज़ा थिन क्रस्ट थे और आउटर जो एज था इसका वो क्रिस्पी था। एंड पूरा फाइनल रिव्यू आप वीडियो के मैं आपको एंड में बता दूंगी। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट वी ऑर्डर्ड वॉज दिस पनीर राइस बोल जिसका प्राइस वॉज 299 रुपीज़, 1 रुपये इन्होंने कम कर दिए लकीली। दिस इज़ सालसा, देन इनका इन हाउस सैलड, पनीर, पापड़ एंड राइस, एंड 299 इसका प्राइस है। एंड व्हाट आई फेल्ट वाज कि इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी बिकॉज वी वर टू पीपल एंड वी वर वेरी फुल बाय दिस टाइम। एंड एक्सप्लेनिंग अबाउट द टेस्ट ऑफ दिस डिश, इन्होंने आई थिंक 3 की 4 पीसेस डाले थे पनीर के एंड इनकी सालसा वॉज वेरी वेरी टेस्टी। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम सालसा खाई है, मुझे पता नहीं था कि ऐसा टेस्ट होता है, बट देन वन आई हैड इट ऐसा थोड़ा सा खट्टापन था एंड आई रियली लाइक्ड इट। एंड पनीर भी बहुत अच्छा, मतलब अच्छा अच्छी डिश थी ओवरऑल। 299 इसके लिए मुझे वर्थ इट लगा बिकॉज इसकी क्वान्टिटी भी काफ़ी ज़्यादा थी। देन द नेक्स्ट थिंग दैट वी ऑर्डर्ड वॉज लपाटा जपाटा, क्योंकि हम स्पाइसी गुआवा वाला जो था उससे इतना ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गए थे कि हमने सोचा कि ये भी ट्राई करना बनता है। प्राइस इसका भी 200 अबव ही था, उसी रेंज का था एंड आई लाइक इट टू, बट देन आई चूज वाइल्ड हर्ब गुआवा ओवर दिस वन। ओके सो गाइज आई रियली हैड अ गुड टाइम एट आमंत्रण फार्म्स, बहुत अच्छी सर्विस थी एंड द फूड वॉज रियली गुड टू। सो स्टार्टिंग फ्रॉम मॉकटेल्स हैव माई हार्ट, बहुत टेस्टी थी दोनों मॉकटेल्स। माई पर्सनल फेवरेट इज गुआवा, वाइल्ड गुआवा, एंड द सेकेंड वन इज देयर लपाटा जपाटा विच वॉज ऑल्सो गुड। हमारा लाइक बिल आया अराउंड 1400 एंड इट सर्व्ड टू पीपल एंड हमें पैक भी कराना पड़ा। द क्वान्टिटी ऑफ फूड इज गुड। देन पिज्ज़ा की
क्वांटिटी इज गुड, बेस इज ऑल्सो गुड. पिज्ज़ा आई विल रेट एज अ मीडियम. देन ड्रिंक्स आर वेरी गुड और जो राइस बोल था दैट वॉज ऑल्सो वेरी टेस्टी. सो ओवरऑल एम्बियंस वाइज एंड एवरीथिंग इट इज़ अ नाइस एक्सपीरियंस एंड यू कैन डेफिनेटली विजिट एंड एन्जॉय द फूड एंड द वाइब. सो सतवारी में है, एयरपोर्ट के बिल्कुल थोड़ा सा आगे है लोकेशन इसकी, आमंत्रण फार्म्स. सो आओ एंड एन्जॉय करो एंड आई होप दैट यू लाइक वॉचिंग द वीडियो. बहुत देर के बाद ऐसा कोई रिव्यू डालने वाली हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and lots of love and bye.